सरदार पटेल और शहीद आजम भगत सिंह लड़ते थे अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ, 56 इंच का सेना रखने वाले हमारे मोदी जी लड़ रहे एक 22 साल के लड़के के खिलाफ, क्या कहे। टूल किट न्यूक्लियर वेपन है, बम डाल दिया, लाखों लोग मर गए। अरे 22 साल की एक लड़की ने किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया की कुछ कैंपेन्स डिजाइन की तो नहीं, ये तो खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन था, ये तो एंटी नेशनल है, राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तान का एजेंडा था, विदेशी शक्तियां काम पर लगी है। अरे क्या बकवास है, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस और कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर इतनी देर रात को इस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया है, इट्स एब्सोल्युटली इल्लीगल। तो हमको सवाल ये हो रहा है कि किसानों के सवाल सुनकर समझकर उसको रिजोल्व करने के बजाय उस आंदोलन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को डिसक्रेडिट करके, उनको कस्टडी में डाल के, उनको सेडिशन का अक्यूज बनाकर इस मुल्क को क्या हासिल होगा। वही ना, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो आंदोलनकारी है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे, व्हाट्सएप के मैसेज घुमा रहे, अब इन सर को वन बाय वन टारगेट कैसे किया जाए, उसका मतलब गिरफ्तारी का नेट यदि फैलाना है तो टूल किट एक बहाना है और कुछ नहीं है। ऐसी भी बात कर रहा है कि इसके साथ साथ जो भी लोग जुड़े होंगे, जैसे नाम अभी उनके फ्रेंड्स के भी नाम आए, बाहर के देशों से भी नाम आए, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। इस मुल्क में किसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हमको तो कभी कभी लगता है यदि किसान और मजदूरों के आंदोलन के सेंटर में यदि शहीद आजम भगत सिंह आज खड़े होते तो मोदी जी उनकी भी गिरफ्तारी करवा देते। वही तो कह रहे हैं, जब पाटीदार आंदोलन चल रहा था तब उसको भी देश विरोधी कहा, जब छात्र नौजवान लड़ते हैं तो उनको भी देश विरोधी कहा, जब ऊना का आंदोलन चल रहा था तो हमको भी देश विरोधी कह रहे थे, जब किसान लड़ रहे तो उनको भी देश विरोधी बोल दो, जब ट्रेड यूनियन के लोग स्ट्राइक करते तो उनको भी देश विरोधी बोल दो, जब महिलाएं लड़ती है तो उनको भी राष्ट्र विरोधी बोल दो। तो जो भी सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिनसे भाजपा को दिक्कत है उन सबको एंटी नेशनल बोल दो, यही चल रहा है 4 साल से। अब तो मोदी जी कुछ नया क्रिएटिविटी लेकर आइए, अब तो हम भी पक गए हैं। हमको टारगेट करने के लिए कुछ और नया क्रिएटिव इनोवेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं इसको आईएसआई के साथ भी लोगों ने जोड़ दिया है। अरे हाँ, बोल दीजिए मंगल के ऊपर और शनि के ग्रह के ऊपर कुछ टेररिस्ट बैठे थे, उनका संबंध है दिशा के साथ, ये बोल दीजिए ना, बात खत्म हो जाएगी। अरे आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल कम्युनल लाइन्स में भारत को तोड़ने के लिए एवरी सिंगल डे एंटी मुस्लिम कंटेंट पिरसता ही जा रहा है। वहां दिल्ली की पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक 22 साल की बच्ची किसानों के समर्थन के में कुछ सोशल मीडिया का कैंपेन डिजाइन कर दी है तो वो मानो राष्ट्रद्रोही हो गई। क्या लग रहा है आगे जाके नहीं, हम डिमांड करते हैं उनको तुरंत रिलीज किया जाए, और यदि रिलीज नहीं करते तब भी जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को आईकॉन बनाया मोदी जी ने, उनकी सरकार ने हार्दिक पटेल को बनाया, हमको तो और एक आईकॉन मिल गई। किस तरह से लग रहा है कि इस तरह से दिशा कितना दिन अंदर रख पाएंगे दिशा को, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर क्या, वो छूट कर तो आएगी, वो बताएगी अपने साथ क्या टॉर्चर हुआ है, किन मुद्दों के लिए खड़ी थी, क्या दर्द था उसके लिए, उसके दिल में किसानों के लिए, वो खुद बताएगी। किस तरह से पूरे सोशल एक्टिविटीज को ये प्रेशर की बात, हाँ बेसिकली मतलब जो भी लड़ रहा है उन सबको वन बाय वन टारगेट करना, ठीक है, या तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करो, या तो उनको डिसक्रेडिट कर दो, कांग्रेस डिसक्रेडिट कर दो, सपा बसपा उसको डिसक्रेडिट कर दो, राहुल प्रियंका गांधी उनको डिसक्रेडिट कर दो, मायावती जी, अखिलेश यादव उनको डिसक्रेडिट कर दो, हार्दिक कन्हैया उसको डिसक्रेडिट कर दो, दिशा डिसक्रेडिट कर दो, नहीं कर पाते तो भीमा कोरेगांव के लोगों की तरह उनको जेल में डाल दो। ये 2 तरीके मोदी जी ने अजमाए। सच बोलता है दिल से, मोदी जी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है मालूम है, वो कहते हैं 56 इंच का सीना, लड़ लूंगा, भिड़ जाऊंगा, दिस दैट। एक्चुअली में इस मुल्क का युवा उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। इस 22-23 साल की बच्ची को अंदर डाल के नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये स्टोरी मत बनाइए। अब कुछ नया क्रिएटिविटी लाइए हमको टारगेट करने के लिए।